अब कर लिया गया है। युवक को दिल्ली एयरपोर्ट से रहमान को दरअसल गिरफ्तार किया गया है। युवक के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के बाद रहमान के खिलाफ लुकआउट जारी हुआ और बताया जा रहा है कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में था। रहमान ने वीडियो कॉल के जरिए महविश से निकाह किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पाकिस्तानी जो है लड़की से शादी का ये पूरा मामला है और युवक को दिल्ली एयरपोर्ट से जो है रहमान जिसका नाम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर के बाद रहमान के खिलाफ लुकआउट भी जारी हुआ था। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद अब ये एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में था लेकिन उससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। रहमान ने वीडियो कॉल के जरिए महविश से निकाह किया था। महविश पाकिस्तानी लड़की है लेकिन उसकी पहली पत्नी ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में रहमान वहां मौजूद था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में हवाई पट्टी स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय से कलेक्टर तक विरोध रैली निकाली है और इसके बाद कलेक्टर पर प्रदर्शन भी किया गया है। बिजली कर्मचारी अजमेर डिस्काउंट द्वारा दिए गए 159 करोड़ रुपए के बिल्डिंग ठेकों को निरस्त करने, पुरानी पेंशन में GPF कटौती चालू करने, मंत्रालय के कर्मचारी के प्रमोशन, मेडिकल लाभ सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो बिजली कर्मचारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि अगर ठेका निरस्त नहीं किया तो बिजली कर्मचारी 20 अगस्त को अजमेर में विशाल प्रदर्शन करेंगे। अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर अजमेर डिस्कॉम के सभी जिलों में विद्युत निगमों के निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम किया गया जिसमें हमारी मुख्यतः मांग बिजली निगम में FRT GSS बिलिंग सहित अन्य ठेके दे रखे हैं। इसके बावजूद भी 159 करोड़ रुपए का ठेका बिलिंग सिस्टम का दे दिया गया जिसका श्रमिक संघ ने आज विरोध किया है, जिसके लिए अधीक्षण अभियंता को प्रबंध निदेशक महोदय के नाम तथा जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है जहां पाकिस्तानी लड़की से शादी करने युवक को उसके बाद से गिरफ्तार किया गया है और उसको दिल्ली एयरपोर्ट से रहमान उसको गिरफ्तार किया गया है। युवक के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के बाद रहमान के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में था। रहमान ने वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी लड़की महविश से निकाह किया था और उसके बाद उसकी पहली पत्नी ने एफआईआर अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई जिसके बाद उसे आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। परिवादिया फरीदा बानो द्वारा भादरा थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसमें उसके पति रहमान के द्वारा असंवैधानिक रूप से तलाक तलाक कहकर के तलाक और उसके अलावा दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज कराई गई थी जिसमें उसके पति को हमने कुवैत से भारत आते समय लुकआउट नोटिस जारी पहले करवाया जा चुका था वहां से डिटेन करके लिया है और उसको गिरफ्तार करके आगामी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट सामने आया है। आज प्रदेश के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है जबकि 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया जिसमें बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक में यहां पर रेड अलर्ट है। भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग का नया अपडेट अपने दर्शकों को बताते हैं कि राजस्थान में कहां कहां भारी से भारी और बारिश के आसार यहां पर हैं। प्रदेश में 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब यही है कि आप संभल कर रहें और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए 12 जिलों में भी येलो अलर्ट कहां पे जारी किया गया बता रहे हैं। बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक में रेड अलर्ट है यानी कि भारी से भारी बारिश यहां पर होगी। साथ ही भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली में ऑरेंज अलर्ट, यहां पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में जो बारिश आफत बनकर बरस रही है, कई इलाके ऐसे हैं जो डूब गए हैं, बाढ़ के हालात हैं, यानी कुल मिलाकर अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। और लगातार देखिए बारिश का दौर जारी है और जिसके चलते नदी नालों में जबरदस्त रूप से पानी की आवक बनी हुई है। नदी नाले उफान पर आने की वजह से दर्जनों गांव में आने जाने का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है।
बांध हो या फिर तालाब, लगातार बरसात का पानी आ रहा है, यानी कि आवक पानी की बनी हुई है। लगातार तीन दिन से हो रही बारिश की वजह से कई लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आने जाने के लिए लोगों को परेशानी हो रही है, कामकाज पर जाना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए। सवाईमाधोपुर जिले में तीन दिवस से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले के नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। बनास नदी की रपट की बात हो या ओलवाड़ा रपट की बात हो, पूरी तरीके से ये जो रास्ते हैं पूरी तरीके से जानदार। दोनों सरकारों ने जो बजट दिया, केंद्र सरकार ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया, राजस्थान ने भी उसका पूरा उपयोग करके आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दिया, इस प्रकार की बजट घोषणाएं उन्होंने की। लेकिन अभी आज का जो विषय है वो है अमृत महोत्सव के 15 अगस्त को हम और आम नागरिक तक ये पहुंचाएं और आम नागरिक की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने ये आह्वान किया है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को कि वो जनता को और जागृत करके साथ में जोड़ करके और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये देश को आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली, बहुत संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ था 1947 में। कितनी कुर्बानी हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कई प्रकार के कष्ट झेले। आप जानते हैं कि कई प्रकार के कष्टों में एक शांतिपूर्वक आंदोलन भी था और एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में कईयों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष झेले, बहुत कठिन तपस्या की, झेले भुगती, और अंडमान निकोबार जैसे जहां काला पानी, वहां सिलोरर जेल में भी जिनको और सजा भुगतना पड़ा, ये सब आपने देखा होगा। और मैं सोचता हूं कि मैं आप सब बहुत जागरूक हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि कितना कठिनाई से ये देश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही हम ये प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुंच रहे हैं, गली गली में पहुंच रहे हैं, प्रत्येक दुकान तक पहुंच रहे हैं, और वहां पर और तिरंगा ध्वज लेकर के जा रहे हैं, और वो गर्व से अपने घर पर अपने और कोई प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगाएगा और गौरव का अनुभव करेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी 14 अगस्त को विभाजन बीबीसी का भी हम उसकी गोष्ठियां भी आयोजित करें। विभाजन बीबीसी का इसलिए कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, और उस समय की स्थिति कल्पना कर सकते हैं। आज आप विचार करें कि उस समय क्या गुजरी होगी उन लोगों पर कि टेबल पर बैठ करके नक्शे में तो विभाजन कर दिया, लेकिन जो धरातल पर गांव था, जो बॉर्डर एरिया में आता था, उसको ये पता भी नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा या पाकिस्तान में रहूंगा। वो गांव हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, उस गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था। वहां पर कत्लेआम किया गया उस समय। आप एक कल्पना और करें कि आबादी का आदान प्रदान हुआ, तो आप कल्पना करें कि किसी ने अपना भवन निर्माण किया, अट्टालिका बनाई, और तिल तिल जल करके खून पसीना बहा करके उस भवन को तैयार किया, उस भवन को सजाया, उन लोगों को अपना भवन छोड़ करके जाना पड़ा, साथ लेकर के कोई जाने की स्थिति केवल जान हाथ में लेकर के वो निकल सकते थे, परिवार के कुछ सदस्यों को बचा करके निकल सकते थे। क्योंकि तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को आप सुन रहे थे। दरअसल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस बारे में वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से भारत आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान का जुल्म सितम आज भी चल रहा है, आतंकवाद के रूप में किस तरीके से वो स्थली बना हुआ है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, करौली का रुख करते हैं, जहाँ पर करणपुर थाना क्षेत्र स्थित अमरापुर के मवाई नाले में देर रात तीन युवक बह गए, और इस दौरान एक युवक ने तैर करके बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, जबकि एक युवक का शव बरामद हुआ है, जबकि एक अन्य की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नाला पार कर रहे थे, और इसी दौरान पानी के तेज बहाव में तीनों बह गए। नाले के तेज बहाव से तैर करके बाहर निकले युवक रोशन ग्रामीणों को घटना की उसने जानकारी दी।
सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हुई। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने दोनों युवकों की तलाश शुरू की, लेकिन रात में अंधेरे की वजह से कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पहले वाले युवकों में एक इंद्रगढ़ और एक श्री महावीर जी क्षेत्र का निवासी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम मदनलाल शर्मा का करौली दौरा। आपको बता दें कि सीएम ने कॉलेज में बने सेफ हाउस में अधिकारियों से चर्चा विमर्श की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया है, साथ ही जल भराव और नुकसान और राहत बचाव के कार्यों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बाबत बड़े निर्देश दिए। पानी बिजली समेत मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। संवेदनशीलता के साथ हर पीड़ित की सहायता करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से करौली के लिए रवाना हुए, हवाई सर्वेक्षण हिंडौन का किया और फिर अब बयाना भी पहुंचेंगे। तो आज एरियल सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री पूरी तरह से, कल से एक्शन में नजर आ रहे हैं जब से दिल्ली दौरा करने के बाद वो उतरे। उसके बाद सबसे पहले जयपुर के कई इलाकों में उन्होंने सर्वे किया, बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए तुरंत राहत बचाव के निर्देश दिए, सड़कों के हाल दुरुस्त करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम अधिकारी को दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए हिंडौन का किस तरह से हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए, संजीदा के साथ पीड़ितों की आप मदद कीजिए। तो देखिए सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि सीएम मदनलाल जब पहुंचे थे तो निरीक्षण करने के लिए तो तमाम कमियां उनको सड़कों पर नजर आई थी और आज ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली जिसमें कड़े निर्देश उन्होंने दिए। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सीएम मदनलाल आपको नजर आ रहे हैं जो कि जो है प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करते हुए दिखे। पानी बिजली समेत मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के जो है वो निर्देश दिए गए। तो तस्वीरें हैं दो आपको दिखा रहा है, पहली तस्वीर में सीएम मदनलाल जो है हवाई निरीक्षण करते हुए नजर आए, दूसरी तस्वीर देखिए अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए और उनको कड़े निर्देश भी सीएम मदनलाल ने दिए हैं। और कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के मामले में आज कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एमबीएस अस्पताल परिसर में डॉक्टर कक्ष में नारेबाजी का प्रदर्शन किया है, आक्रोश जाहिर किया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी और जेके लोन अस्पताल के करीब 600 रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर बैठ गए। इसके चलते एमबीएस सहित कई चार बड़े जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्था जो है कुल मिलाकर चिकित्सीय रूप से प्रभावित हुई है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवाओं को चालू रखने का फैसला लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर्स को न्याय नहीं मिल पाता है तब तक वो कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नया नियम जल्द लागू किया जाना चाहिए। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हत्या का मामला और लगातार देखिए अब विरोध भी देखने को मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर ने कार्य का बहिष्कार किया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में एक रेजिडेंट साथी का साथ जो दुर्घटना हुई है उसकी हत्या कर दी गई है, उसके परिवार पे जो बीत रही है हम उसके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर एक रेजिडेंट साथी अपनी सुरक्षा चाहता है, गवर्नमेंट से और कोई डिमांड नहीं करता, वो कार्य करता है। रेजिडेंट साथी 24 घंटे काम करता है, उसकी खुद की सेफ्टी तो एटलीस्ट कम से कम पूरी होनी चाहिए, बगैर सेफ्टी के एनवायरनमेंट में कैसे काम कर पाएगा। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कोलकाता आरजी लगातार मेडिकल कॉलेज की घटना का विरोध कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये आक्रोश कोलकाता में हुई रेजिडेंट डॉक्टर की दरिंदगी और उसकी हत्या के बाद लगातार आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। तो एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो है हड़ताल की है, ओपीडी ओटी और वार्ड सेवाओं को निलंबित किया गया है, आपातकालीन सेवाएं जो है जारी रहेंगी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे नहीं माने पर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दे दी गई है। तो लगातार जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखने को मिल रही है, डॉक्टर्स में काफी रोष नजर आ रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक जगह पर डॉक्टर्स इकट्ठा होकर के विरोध करते हुए दिख रहे हैं
और उनके हाथों में बैनर भी लगा हुआ है, हमें न्याय चाहिए, ये तमाम तरीके की बातें जो है बैनर पर लिखी गई है। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन, मांगे नहीं मानने पर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दे दी गई है। जोधपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, महिला रेजिडेंट के साथ हुई घटना पर डॉक्टर्स में अब रोष देखने को मिल रहा है।